रात में जिस तरीके की परिस्थिति है कि भाजपा सरकार ने साम दाम दंड भेद की नीति से लोक प्रतिनिधियों को खरीदने का, डराने का, धमकाने का प्रयास हो रहा है। कोरोना की महामारी में जब गुजरात में 1200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 20,000 जितने लोग संक्रमित हो चुके हैं, ऐसे समय में सरकार को लोगों की जान बचाने की चिंता करनी चाहिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता करनी चाहिए और लंबे लॉकडाउन के बाद कोरोना को कैसे कंट्रोल करें उस पर काम करना चाहिए। लेकिन पूरी सरकार और प्रशासन कांग्रेस के विधायकों को खरीदने में, उनको तोड़ने में और उनको डराने धमकाने में लगा है। ऐसे में सभी विधायक साथ मिलके कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट को विजय बनाने का प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो आज एकजुट है और दोनों हमारे कैंडिडेट हैं, उनको जिताएंगे। सरकार द्वारा साम दाम दंड भेदनी नीति नो उपयोग करीने कोरोना में लोगों की मदद करवानी होय, लोगों का जीव बचावाना होय, एवा समय आखी सरकार ने, सरकार नु तंत्र लोक प्रतिनिधियों ने खरीदवामा, डरावामा, धमकावामा व्यस्त छे। एवा संजोगोमा अमारा कांग्रेसना धारासभ्यो अहींया मळ्या छे ने बधा चर्चा करीने आगामी समयनी रणनीति पण नक्की करशे अने साथे साथे अमारा बन्ने उमेदवारने विजय बनावानुं आयोजन पण करवामां आवशे। અમિતભાઈ, બધાને સાથે રાખો, એના બદલે અલગ અલગ રાખવા નવી રણનીતિ લાગે છે કારગત નીવડશે? એટલે બધા પોતાના વિસ્તારની નજીકમાં જ હોય, જેથી કરીને ગમે ત્યારે ઘર પરિવાર સાથે વિસ્તારમાં કે અન્ય કોઈ કામે પણ જઈ શકે અને ઘરેથી આવજાવ પણ કરી શકે, બધા મિત્રો સાથે પણ રહે શકે, એટલા માટે આ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। એટલે હું માનું છું કે દરેક અમારા ધારાસભ્યો છે એના જિલ્લાની નજીકમાં આ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે।